Hello students, I'm your science teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start our new chapter Changes Around Us. Students, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं चेंजेस के बारे में, फिजिकल चेंज के बारे में, केमिकल चेंज के बारे में, रस्टिंग क्या होती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, सुपर सैचुरेशन क्या होती है, उन सब के बारे में अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. चैप्टर 5, चेंजेस अराउंड अस. स्टूडेंट्स, वी विल लर्न सम टॉपिक्स इन अवर चैप्टर. Physical change, rusting, saturation and supersaturation, chemical change and crystallization. So students, let's start our chapter. बच्चों, आप देखते होंगे अपनी everyday life में कुछ ना कुछ things जो हैं change होती रहती हैं. कुछ changes आप कितने fast होते हैं, कुछ changes slow होते हैं. कुछ changes बच्चों ऐसे होते हैं जो reversible होते हैं, उसे हम दोबारा repeat कर सकते हैं. कुछ changes ऐसे होते हैं जो irreversible होते हैं. कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम नोटिस कर पाते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं इतनी फास्टली हो जाते हैं उन्हें नोटिस नहीं कर पाते. कुछ चेंजेस बच्चों मान मेड होते हैं जो हम खुद करते हैं, कुछ चेंजेस नेचुरली होते हैं बच्चों. मगर ये जो सारे चेंजेस होते हैं इनके पीछे कॉज है, एक रीजन है, एक कारण है. तो स्टूडेंट्स, हम पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं चेंजेस के. जैसे मिक्सिंग टू सब्सटेंसेस, फर्स्ट एग्जाम्पल में दो सब्सटेंस को मिक्स किया जा रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल में ग्रोइंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो फ्लावर है उसकी कैसे ग्रो हो रही है, बर्निंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स की कैसे ऑब्जेक्ट्स बन किए जा रहे हैं, ये सारे हमारे चेंजेस के एग्जाम्पल हैं. बच्चों, जो भी सारा ऑल्ट्रेशन होता है उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज में, उसे हम चेंज कहते हैं. बच्चों देखा जाए, चेंज को हमने टू काइंड्स में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट है फिजिकल चेंज एंड सेकेंड है केमिकल चेंज. उसे ही हम अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं चेंजेस को. तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक फिजिकल चेंज. बच्चों, फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऑल्ट्रेशन या चेंजेस आते हैं. बच्चों, इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज होती हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज का मीन्स होता है उसका साइज, शेप, स्ट्रक्चर, सिर्फ ये चेंज हो रहा है. हम एग्जाम्पल ले सकते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर. जब आप पानी में चीनी को घोलते हो तो सिर्फ क्या होता है, एक नया सब्सटेंस थोड़ी ना फॉर्म होता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है. मतलब कि शुगर पहले क्यूब की फॉर्म में थी, फिर वो डिजोल्व हो गई, लिक्विड की फॉर्म में बन गई है. सेकंड हम ले सकते हैं टियरिंग ऑफ पेपर. जब आप पेपर को फाड़ते हैं तो कोई नया सब्सटेंस कोई ना बना, सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है. जैसे एक आयरन और मैग्नेट का अट्रैक्शन, जब मैग्नेट के ऊपर आयरन चिपक जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है, तो ये क्या है, हमारा एक फिजिकल चेंज है. कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर टू फॉर्म क्लाउड्स, जब वाटर वेपर से हमारे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं तो भी ये हमारा क्या है बच्चों, ये फिजिकल चेंज होता है. क्योंकि सिर्फ एक क्या है, हमारा जो भाप था वो एक क्लाउड के फॉर्म में आ गया है, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ. जब हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करने लगता है, जब हमारी चीजें सब्सटेंसेस जो है गर्म करने पे एक्सपेंड होने लगती है, फैलने लगती हैं, या ठंडी करने पे वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, ये सारे हमारे चेंजेस होते हैं फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल. ये आपको कुछ इमेजेस भी दे रखी हैं जो एग्जाम्पल्स हैं फिजिकल चेंज के. नेक्स्ट, अब हम इनके प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. अभी आपने एग्जाम्पल्स पढ़े, इससे आपको कुछ आइडिया मिला होगा फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टीज के बारे में. तो फर्स्ट है आपकी जो फिजिकल चेंज है वो सिर्फ ऑल्ट्रेशन करती है, चेंजेस करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में सब्सटेंस के. जैसे शेप में चेंज कर देगी, साइज में चेंज कर देगी, या स्टेट में चेंज कर देगी. मतलब वाटर टू लिक्विड बन जाएगा या लिक्विड टू गैस बनेगा. मगर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता. और सेकेंड है आपका, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा. थर्ड है इसमें फिजिकल चेंज में, ये टेम्परेरी होता है, कुछ ही समय के लिए होता है और रिवर्सिबल होता है. मतलब जब आपने लिक्विड लिया, लिक्विड फॉर्म में था आपका वाटर, फिर आपने इसे कूल करा तो आइस बन गया. फिर आइस कुछ समय के लिए होती है, फिर धीरे धीरे मेल्ट होने स्टार्ट होती है, तो वापस अपने लिक्विड फॉर्म में आ जाती है. तो ये क्या होती है, आपकी रिवर्सिबल होती है, जो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है. तो यह क्या है, आपका फिजिकल चेंज होता है. बच्चों, इसमें बहुत ही कम या ना के बराबर ही एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब की जाती है, निकलती है. ये हमारे फिजिकल चेंज होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं बिट्स एंड बाइट्स. द प्रोसेस इन विच हीट इज इवॉल्व इज नोन एज एक्सोथर्मिक चेंज. बच्चों, जब हमारी जब रिएक्शन कोई भी चीज रिएक्ट करती है उसमें से हीट निकलती है, उसे हम एक्सोथर्मिक चेंज कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, नाउ सी एन एक्टिविटी फर्स्ट. अब हम एक्टिविटी फर्स्ट देखते हैं. इसमें क्या करना है, आपको बीकर लेना है, बीकर में वाटर फिल करना है, फिर उस वाटर को बॉईल करना है. जब आप वाटर को बॉईल करेंगे तो वो स्टीम निकलनी स्टार्ट हो जाएगी उस बीकर से, जैसा आपको डायग्राम में शो कर रखा है. फिर आपको क्या करना है, बीकर के ऊपर
फैन को इन्वर्ट करके लगाना है, फिर आप देखेंगे जो सारी स्टीम है वो इकट्ठी कलेक्ट होने स्टार्ट हो जाएगी पैन के ऊपर, फिर वो धीरे धीरे उस पैन पे जो वाटर वेपर था वो ड्रॉपलेट्स में फिर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पहले क्या था, आपका लिक्विड से वाटर बना, फिर वाटर से दोबारा वाटर वेपर बना, और वाटर वेपर से दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके से ये चेंज हमारा क्या है, रिवर्सिबल है, वापिस अपने ओरिजिनल पोजिशन में आ गया। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट हम करते हैं एक्टिविटी सेकेंड। आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसमें वाटर फिल करना है, उसमें कुछ शुगर्स के क्यूब्स लेने हैं, फिर उसे स्टिर करना है विद द हेल्प ऑफ द स्टिरर। आपको उसे अच्छे से डिसॉल्व करना है शुगर को उस वाटर में, फिर आपको सॉल्यूशन को चाइना डिश में फिल करना है और उसे हीट करना है, इतना बंद करना है कि जो उसका सारा पानी था वो इवेपोरेट हो जाए। तो आप देखेंगे जब उसका सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो फिर वापस आपको उसके शुगर के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। तो इससे आपको पता चला पहले आपके शुगर था वो डिसॉल्व हो गया था, उसने लिक्विड फॉर्म ले लिया था, फिर आपने उसे हीट करा तो वापस आप वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए, शुगर क्रिस्टल्स के फॉर्म में आ गया। इसमें भी हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल गया, तो ये क्या हो गया, हमारा फिजिकल चेंज हो गया जो रिवर्सिबल हो सकता है, जिसमें हमें उसके ओरिजिनल प्रोडक्ट वापस मिल जाता है। नेक्स्ट टाइप आता है आपका केमिकल चेंज। अभी तक हमने पढ़ा फिजिकल चेंज के बारे में, अब हम पढ़ते हैं केमिकल चेंज के बारे में। आपको देखनी है एक्टिविटी थर्ड। इसमें आपको क्या करना है, 2 से 3 शाइनी आयरन नेल्स लेने हैं, इसे अपने एक प्लेट पे रखने हैं और कुछ टाइम तक के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ दिन के लिए। फिर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, उस पर रस्टिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, कुछ ब्राउनिश सब्सटेंस की कोटिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे आपका जो स्ट्रेंथ की पावर होती है आयरन की वो वीक हो जाएंगी, वो कमजोर हो गए। पहले आपकी जो आयरन नेल्स थे कील थी वो स्ट्रांग थी, अब वो क्या हो गई, उनकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई है, तो वो पहले जैसे ओरिजिनल नहीं रहे, ना ही से आप पहले जैसे ओरिजिनल बना सकते हैं। तो ये क्या है आपका, जिसे आप पहले जैसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते, और ये क्या कहलाता है, हमारा केमिकल चेंज कहलाता है। ये परमानेंट होता है और इरिवर्सिबल होता है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी फोर्थ। इसमें आपको क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन लेनी है, कम से कम उसकी लेंथ जो होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। उसे आपको रब करना है सैंड पेपर पे, फिर उसे क्या करना है, बर्न करना है, ब्राइटली शाइनिंग मेटल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। आपको उस मैग्नीशियम रिबन को होल्ड करना है, पकड़ना है फायर टॉन्ग की हेल्प से, और उसे बंसन फ्लेम के ऊपर लेके जाना है। आप देखेंगे जो मैग्नीशियम रिबन थी धीरे धीरे बर्न होनी स्टार्ट होगी और उसका एक ऐश फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो ऐश फॉर्म कर रही होगी तो उसमें से गैस भी रिलीज कर रही होगी, उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलती है। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो मैग्नीशियम थी उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, जो ऑक्सीजन हेल्प करती है कंबशन में, फिर उसने उसके साथ रिएक्ट करा तो क्या फॉर्म करा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर हमने उस मैग्नीशियम जो ऐश था उसे पानी में घोल दिया, डिसॉल्व कर दिया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ने फिर रिएक्ट करा वाटर के साथ, तो हमारा क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इससे क्या हो रहा है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट न्यू न्यू सब्सटेंस फॉर्म किए जा रहे हैं। तो इसलिए ये क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शन है। इससे हम दोबारा मैग्नीशियम रिबन नहीं बना सकते, बल्कि न्यू डिफरेंट डिफरेंट और सब्सटेंस बना सकते हैं। तो ये हमारी इरिवर्सिबल है और परमानेंट है, ये हमारा केमिकल चेंज होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, फ्रॉम दी अबव एक्टिविटी हमें क्या कॉन्क्लूड मिला, कि ये हम जब इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने ट्रीट करा, उसके ऐश को पानी के साथ डिसॉल्व करा, तो हमें एक नया सब्सटेंस मिला, और जिसका अपने खुद का कॉम्पोजिशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी फिफ्थ। इसमें क्या करना है, आपको क्लीन पीस लेना है कुछ जिंक ग्रैन्यूल के, फिर उसे टेस्ट ट्यूब में डालना है, फिर उसको क्या करना है, जो बॉटम तक टच होने चाहिए जिंक ग्रैन्यूल के पीस को आपको उसके अकॉर्डिंग डालना है, फिर आपको कुछ वार्म फील हुआ नहीं होगा। फिर आपको क्या करना है, ड्रॉपर की हेल्प से कुछ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ड्रॉप्स डालनी है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर। आप क्या चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे जैसे ही आप उसमें एसिड डालेंगे तो जिंक ग्रैन्यूल्स के अंदर से बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। वो बबल्स किसके होंगे, हाइड्रोजन गैस के बबल्स होंगे। फिर आपको कैसे पता कर चलेगा कि हाइड्रोजन गैस ही है, बच्चों जो हाइड्रोजन गैस होती है वो पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। तो आपको क्या करना है, मैच स्टिक को पास में लेके जाना है, तो आप देखेंगे जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस उस मैचस्टिक की फ्लेम के साथ टकराएगी तो पॉप साउंड आएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि एक हीट एनर्जी भी निकल रही है जब जिंक कंबाइन करता है हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और इससे हमारे और नए सब्सटेंस फॉर्म हुए हैं जैसे जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो हम इसे रिएक्शन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमारे जिंक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट थे टेस्ट ट्यूब में, प्लस हमने ड्रॉपर से हेल्प से ड्रॉप डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, फिर हमें प्रोडक्ट मिला जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ। तो ये कैसा है, हमारा परमानेंट चेंज है, और इसे हम कह सकते हैं केमिकल चेंज। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक्टिविटी सिक्स। बच्चे एक्टिविटी सिक्स में आपको क्या करना है,
आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसे हाफ फिल करना है वाटर से, और उसे लेना है टी स्पूनफुल लेना है कॉपर सल्फेट के पाउडर के। फिर आपको उसे अच्छे से डिसॉल्व करना है कॉपर सल्फेट पाउडर को अपने वाटर में, तो आपको एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जैसे ये आपका बीकर फर्स्ट में दिखा रखा है। फिर आपको क्या करना है, उस सॉल्यूशन को एक तरफ रख देना है। फिर आपको क्या करना है, एक क्लीन आयरन नेल लेनी है, उसके कलर को ऑब्जर्व करना है कि पहले आयरन नेल का कलर कैसा है। फिर आपको क्या करना है, उस आयरन नेल को बीकर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर देना है, जिससे आपको फिगर में शो कर रखा है, और आपको कम से कम आधे घंटे के लिए उसे अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन तो कॉपर सल्फेट का, वो चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में, तो जिससे आपको पता चलेगा कि कुछ आपका रिएक्शन हुआ है, क्योंकि उसने अपने केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करा है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दी रीजन, ऐसा क्यों हुआ, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू से ग्रीन कैसे हुआ, इसे हम अंडरस्टैंड करते हैं। बच्चों, जो आपका आयरन नेल था, उसने क्या करा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करा, एक नया सब्सटेंस बनाया फेरस सल्फेट, और जिसकी वजह से आपका जो कॉपर था वो सल्फेट से डिस्प्लेस हो गया, और कॉपर जो सारा डिपॉजिट था वो आयरन नेल के ऊपर हो गया। इसकी वजह से आपके आयरन नेल क्या हो गया, रस्ट हो गया, जंग लग गया उसे, और उसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर आ गया कॉपर की। हम उसे लिख सकते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, कॉपर सल्फेट जो आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, प्लस अगर हमने उसके अंदर आयरन नेल्स डाले, तो उसने क्या प्रोडक्ट फॉर्म करा, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन जो ग्रीन कलर का था, और कॉपर जो डिपॉजिट हो गया आयरन नेल्स के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का। तो ये हमारी सारी जो एक्टिविटीज हमने पढ़ी, एक्टिविटी 3, 4, 5 एंड 6, इस सब एक्टिविटीज में हमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होके मिला है। ये सारी एक्टिविटीज हमारी केमिकल चेंज की एक्टिविटीज थी। तो हम केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स को अब समझते हैं। बच्चों, जो भी हमारी सारी एक्टिविटीज थी वो कैसी थी, इरिवर्सिबल थी, परमानेंट थी, और जिसके कॉम्पोजिशन का सब्सटेंस का जो फॉर्म हुआ था वो केमिकल चेंज के दौरान ही फॉर्म हुआ है, और कोई ना कोई हीट इसमें से अब्सॉर्ब की गई है या निकली है इन सारी एक्टिविटीज में, तो ये पता चलता है ये हमारे केमिकल चेंज की एक्टिविटीज है। और मगर इससे हमारा टोटल मास कैसा रहता है, हमारा सिस्टम का सेम ही रहता है, जो हमारा रिएक्टेंट का मास होता है और जो हमारे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उनका मास होता है, वो दोनों सेम रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट ट्राई इट आउट। अब हम ट्राई इट आउट करते हैं, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज होता क्या है बच्चों, फिजिकल चेंज वो होता है इन विच देयर इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, सिर्फ उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता बस, बट देयर इज ओनली चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, बस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंज आता है। सेकेंड है, गिव थ्री एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस अदर देन दोज स्टडीड इन द चैप्टर। बच्चों, आपको थ्री एग्जाम्पल्स देना है फिजिकल चेंज के, जो आपने चैप्टर में पढ़े हैं उसके अलावा, उससे अलग तो आप दे सकते हैं। जैसे फिजिकल चेंज कौन सा होता है, जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, जैसे किसी चीज का ब्रेक होना, कटना, या उसकी स्टेट का चेंज होना, शेप का चेंज होना, साइज का चेंज होना, ये सारे आपके क्या है, फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल है। जैसे आप क्या करेंगे, आप रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे तो उसका शेप चेंज हो गया, तो ये क्या आपका फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। थर्ड है, डिफाइन अ केमिकल चेंज, गिव थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज। बच्चों, आपको केमिकल चेंज का एग्जाम्पल देना है और उसकी डिफाइन करना है। केमिकल चेंज क्या होता है, इन विच देयर इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन, जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, एंड द हीट इज इवॉल्व, हीट निकलती है या हीट एब्जॉर्ब होती है, वो हमारा केमिकल चेंज होता है, और जो परमानेंट होती है और रिवर्सिबल होती है, मतलब कि जो हम उसे दोबारा ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं मिल सकता। जैसे हमने कौन कौन से केमिकल चेंज के एग्जाम्पल ले सकते हैं, केमिकल चेंज में एग्जाम्पल हो सकता है मिल्क टू कर्ड, यानी कि हम वापस कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते, तो ये क्या हमारा परमानेंट और इरिवर्सिबल है। इस तरीके से आप और भी केमिकल चेंज के एग्जाम्पल दे सकते हैं। सम और केमिकल चेंजेस हम देख सकते हैं, जब आपका कोल क्या है, कोल के अंदर क्या होता है बच्चों, कार्बन होता है। जब ये जलाया जाता है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो आपके एटमोसफेयर में प्रेजेंट होती है, तो आपका क्या गैस, कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और भी सब्सटेंसेस के साथ। तो इसे हम लिख सकते हैं कोल प्लस ऑक्सीजन, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। नाउ सी एन एक्टिविटी 7। अब हम एक्टिविटी 7 देखते हैं। आपको क्या करना है, एक छोटा सा पीस लेना है कोल का, और उसे टॉंग्स की पेयर की हेल्प से पकड़ना है, और उसे बर्नर के पास लेके जाना है, और बर्नर की जो फ्लेम होगी उसमें उसे बर्न करना है। तो आप क्या देखेंगे, उसमें से जो धुआं निकल रहा होगा वो किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। नेक्स्ट यू सी एन एक्टिविटी 8। तब हम एक्टिविटी 8 देखते हैं। आपको कुछ विनेगर लेना है टेस्ट ट्यूब में, और उसके अंदर डालना है बेकिंग सोडा, पिंच डालना है, स्मॉल अमाउंट बेकिंग सोडा डालना है। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे उसमें, फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये ऑब्जर्व करना है कि उसमें से कुछ हिजिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है। सेकेंड आपको ऑब्जर्व करना है कि उसमें से बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे।
बच्चों जो गैस निकल रही है उसमें से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और उसे हम लिख सकते हैं, जब हमने बेकिंग सोडा और विनेगर को मिक्स करा तो हमारे क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। जो आपका सोडियम कार्बोनेट है वो सेटल हो जाएगा, ये एक लेयर फॉर्म कर लेगा पानी के ऊपर, और आपका वाटर भी मिलेगा आपको। तो इस तरीके से आपके बच्चों जो टेस्ट कर सकते हैं जो गैस है वो प्रोड्यूस हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, इसे आप दो तरीके से टेस्ट कर सकते हैं कि वो आपकी हाइड्रोजन भी तो हो सकती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बर्निंग कैंडल को लेके जाना है, माचिस स्टिक को भी लेके जा सकते हैं, उस जहां से वो आपकी गैस रिलीज हो रही है टेस्ट ट्यूब के पास से। तो आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, वो उस माचिस स्टिक की फ्लेम को क्या कर देगी, बुझा देगी, स्टॉप कर देगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आपकी ऑक्सीजन को खत्म कर देती है। सेकंड, आप टेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, आपको टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेके जाना है, और जो गैस निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, उस टेस्ट ट्यूब को उसके पास लाना है, जो आपका लाइम वाटर का कलर है वो मिल्की हो जाएगा। वो किसकी वजह से होएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो ही वो मिल्की होएगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी तो वो मिल्की नहीं होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस है। तो स्टूडेंट्स, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की बना देती है तो वो इसे इसमें कन्वर्ट कर देती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। तो स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं हम, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है लाइम वाटर के साथ तो एक कैल्शियम कार्बोनेट को फॉर्म करती है, एक नया सब्सटेंस बनता है। तो हम इसे लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर। जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करवाया तो हमें न्यू सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट का मिला, और एक उसमें वाटर भी फॉर्म हुआ। बच्चों, जो केमिकल चेंजेस होते हैं ये हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हम अपने एवरी टू डे एग्जाम्पल्स में भी देख सकते हैं। जो हमारे न्यू सब्सटेंस है वो सारे केमिकल चेंजेस की वजह से ही फॉर्म होते हैं, फिजिकल चेंजेस में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते। जो आपके हाउस होल्ड मटीरियल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, या प्लास्टिक, जो भी सारी चीजें हैं, ये इसका रिजल्ट है, केमिकल रिएक्शंस का ही रिजल्ट है। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक रस्टिंग। बच्चों, रस्टिंग क्या होता है, आप रेडिश ब्राउन लेयर देखते होंगे आयरन बोल्ट के ऊपर, जो आपकी आयरन बोल्ट होती है, अगर आप उसे बारिश में छोड़ देंगे या खुले में रख देंगे, ओपन मॉइस्चर जब वो कंटेन कर लेगा तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन लेयर आ जाती है। वो किसकी लेयर होती है, रस्ट की होती है। और ये पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब उस पर बारिश पड़ती है, जो एटमोसफेयर का मॉइस्चर उस पर पड़ता है, उसे हम कहते हैं रस्टिंग। बच्चों, जो केमिकल नेम होता है रस्ट का, वो होता है आयरन ऑक्साइड। मतलब जब आयरन बोल्ट के ऊपर आयरन ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है, उसे हम रस्टिंग कहते हैं। बच्चों, जब ऑक्सीजन और वाटर, ये दो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से किसी भी चीज को रस्टिंग होती है, जंग लगता है। बच्चों, ये रस्टिंग क्या है, केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज हमने इसे इसलिए कहा है क्योंकि जब किसी भी चीज को, लोहे की चीज पे जंग लग जाता है, तो उससे वापस हम लोहे को रिकवर नहीं कर सकते, आयरन को रिकवर नहीं कर सकते, तो ये परमानेंट और इरिवर्सिबल भी होता है। बच्चों, इसे हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि आयरन जब रिएक्ट कर जाती है ऑक्सीजन के साथ जो एयर में प्रेजेंट होती है प्लस वाटर के साथ, तो हमें क्या फॉर्म हो जाती है, आयरन के ऊपर आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो जाती है, जिसे हम रस्ट कहते हैं, जो रेडिश ब्राउन लेयर होती है। बच्चों, जो प्रोसेस होती है रस्टिंग की, इतनी फास्टर होती है कि जैसे हमारे मौसम में नमी भी होगी, हल्की सी ह्यूमिडिटी भी होगी, कि अगर कोई भी सलाइन वाटर उसके ऊपर पड़ेगा तो जल्दी से जो रस्टिंग होती है वो आयरन पार्टिकल्स को ईट कर ले लगती है और उसे वीक बना देती है। ये आपको इमेज गिवन है रस्टेड स्क्रू की। नेक्स्ट हम देखते हैं बिट्स एंड बाइट्स। यू मस्ट हैव सीन दैट द एक्सपोज सरफेस ऑफ अ स्लाइस्ड ब्रिंजल टर्न्स ब्लैक। बच्चों, आपने कभी देखा है कि जो ब्रिंजल का आपने एक स्लाइस लिया, आपने कुछ टाइम के लिए उसे एज इट इज छोड़ दिया ओपन में, तो वो स्लाइस धीरे धीरे ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। बच्चों, वो ब्लैक होना स्टार्ट हो गया, मतलब कि वो आपका ब्रिंजल का स्लाइस है डैमेज होना स्टार्ट हो गया, जो उसकी प्लांट टिश्यूज थी वो डैमेज होने स्टार्ट हो गई। उन टिश्यूज ने कुछ एंजाइम रिलीज करे, कुछ केमिकल्स रिलीज करे, उन्हें हम फिनोलिक कंपाउंड्स कहते हैं, एंजाइम और केमिकल्स को, जिसकी वजह से जो ब्रिंजल के प्लांट टिश्यूज थे वो डैमेज होने स्टार्ट हो गए और उन्होंने स्लाइस को ब्लैक बना दिया। जब बच्चों फिनोलिक कंपाउंड्स और एंजाइम रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो एक ब्राउन पिगमेंट फॉर्म करते हैं, मेलानिन, जिसकी वजह से आपके स्लाइस का कलर, ब्रिंजल के स्लाइस का कलर ब्लैक हो गया। ये भी एक बिट एंड बाइट थी। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी 9। इस एक्टिविटी का आपका एम है टू अंडरस्टैंड दैट वाटर एंड एयर आर एसेंशियल फॉर रस्टिंग टू अकर। आपको इस एक्टिविटी के थ्रू ये पता चल जाएगा कि हवा और पानी की वजह से ही रस्टिंग होती है, किसी भी लोहे की चीज को जंग लगता है। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी 3 कॉनिकल फ्लास्क की, जो आपको इमेज में गिवन है। आपको इन कॉनिकल फ्लास्क पे लेबलिंग करनी है ए बी और सी की। आपको क्या करना है, नेल्स की जरूरत पड़ेगी, डिस्टिल्ड वाटर की जरूरत पड़ेगी, टैप वाटर
एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी और एक हीटिंग अपैरेटस का अरेंजमेंट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्लास्क ए को लेना है, उसमें डिस्टिल वाटर को डालना है। डिस्टिल वाटर हमने इसलिए लिया है क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन नहीं करेगा। अगर आप टैप वाटर लेंगे तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन कर लेगा, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, इसलिए आपको डिस्टिल वाटर ही लेना है। फिर उसे बॉईल करना है कुछ समय के लिए, जिसकी वजह से उसके अंदर के अगर कोई भी कटायंस और एनायंस प्रेजेंट होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। फिर आपको उसमें कुछ फ्यू ड्रॉप्स डालनी है ऑयल की, फिर उसे सील कर देना है कॉर्क की हेल्प से, जैसे ये आपको इमेज में गिवन है। नेक्स्ट है करना है आपको इन सब बीकर्स के अंदर, आपको कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आयरन नेल्स डालनी है, फिर उसे सील कर देना है। फिर आपको फ्लास्क भी लेना है, इसमें आपको टैप वाटर लेना है जिसमें आयंस प्रेजेंट रहते हैं, इसमें भी कुछ आयरन नेल्स आपको डालनी है और इस पे आपको सील नहीं लगानी, इसे आपको ओपन छोड़ना है। फिर आपको कॉनिकल फ्लास्क सील लेना है, फिर इसमें आपको क्या डालना है, डेसिकेटिंग एजेंट। डेसिकेटिंग एजेंट बच्चों एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को कहते हैं, जिसकी वजह इसे हम इसलिए कहते हैं डेसिकेटिंग, अगर आपके बीकर में थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा वो पूरे उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। फिर आपको क्या करना है, उसे थोड़ी देर के लिए वार्म करना है, फिर उसके अंदर कुछ आयरन नेल्स डालनी है और फिर उसे फॉग की हेल्प से सील कर देना है। फिर आप कुछ 2 डेज के बाद एब्जॉर्ब क्या कट 2 डेज के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे इन फ्लास्क में, आपको कॉनिकल फ्लास्क ये था उसमें ऑक्सीजन नहीं है मगर वाटर प्रेजेंट है, मगर फिर भी उसके अंदर रस्टिंग नहीं होगी। सेकेंड में आप ऑब्जर्व करेंगे उसमें ऑक्सीजन भी है वाटर भी है, तो जो आपके कॉनिकल फ्लास्क बी में जो आपके आयरन नेल्स होंगे उसमें रस्टिंग हो जाएगी, जंग लग जाएगा, उस पर ब्राउनिश लेयर आ जाएगी। जो थर्ड कॉनिकल फ्लास्क सी था उसमें क्या है, आपका ऑक्सीजन तो थी मगर वाटर तो था ही नहीं, इसलिए उसमें भी रस्टिंग नहीं हुई। इससे आपको पता चला रस्टिंग के लिए दोनों ही चीजें जरूरी होती हैं, ऑक्सीजन भी और वाटर भी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने पता लगा लिया कि कंपोनेंट्स हमारे रस्टिंग के कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, हम रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जो हमारी सारी सब्सटेंस होते हैं आयरन की उसे हम कैसे बचा सकते हैं। बच्चों रस्टिंग हमें पता चल गई अपनी एक्टिविटी से कि एयर और वाटर की वजह से हमारी रस्टिंग होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं अपने आयरन मेटल्स के ऊपर जिसकी वजह से वो उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाए, एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आ पाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा जब ज्यादातर जो हमारे आयरन आर्टिकल्स होते हैं लोहे की चीजें होती है उसके ऊपर कोटिंग करी जाती है, पेंट करा जाता है या ग्रीसिंग करी जाती है। उस पर कोटिंग या ग्रीसिंग इसलिए करी जाती है रेगुलरली जिससे कि वो हमारे ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में ना आए या मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में ना आए। नेक्स्ट आप दूसरी तरीके से भी रस्टिंग को बचा सकते हैं, आपको क्या करना है अपने आयरन को कोटिंग करना है दूसरे अदर मेटल से, जिसे हम कह सकते हैं जिंक या क्रोमियम से। वो क्या करते हैं, जिंक या क्रोमियम आपके आयरन को रस्टिंग होने से बचाते हैं। और बच्चों जब हम अपने आयरन पार्टिकल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं उसे हम कहते हैं गल्वनाइजेशन। बच्चों ज्यादातर जो आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग की जाती है, जिंक की कोटिंग करी जाती है। जो आयरन पाइप्स आपके घर में होते हैं जिनसे पानी आता है आपने देखा होगा, वो उसमें बहुत कम समय के बाद ही जंग लगता है, रस्टिंग लगती है अगर हम उसके ऊपर कोटिंग नहीं करेंगे, वरना उनके ऊपर क्या होता है, जिंक का लेयर लगा रहता है जिसे हम गल्वनाइजेशन पाइप्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड मेथड आता है प्रिवेंट टू रस्टिंग का अलॉइंग। अलॉइंग का मीन्स होता है बच्चों जैसे आपने नोटिस करा होगा कुछ आपके आर्टिकल्स होते हैं जैसे सीजर्स ब्लेड यूटेंसिल्स, वो तो रस्टिंग नहीं होते बल्कि वो भी तो लोहे के होते हैं आयरन के होते हैं। बच्चों ये सारे आर्टिकल्स हमारे स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा मेटल्स में कुछ कार्बन पार्टिकल्स मिक्स कर दिए जाते हैं, जैसे कौन कौन से मेटल के अंदर, क्रोमियम के अंदर, मैग्नीज के अंदर, मैग्नीशियम के अंदर, ये सारे हमारे मिक्स कर दिए जाते हैं आयरन के साथ जिसे हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील, जिसकी वजह से ये सब रस्टिंग नहीं पकड़ते, रस्ट नहीं होते। फिर हम क्या करते हैं, मैटर को मिक्स कर देते हैं, नॉन मेटल को मिक्स कर देते हैं आयरन पार्टिकल के साथ, उसे हम अलॉय कहते हैं। इससे हमारे एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे हम स्टेनलेस स्टील भी कहते हैं या अलॉय भी कह सकते हैं। इसी तरह हमारा अलॉय भी क्या करता है, रस्टिंग्स को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बिट्स एंड बाइट्स। बच्चों जो आयरन पिलर आपने देखा होगा कुतुब मीनार में सिचुएटेड है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, वो बच्चों आयरन पिलर लोहे की जो पिलर है वो कम से कम 1600 ईयर्स पुराने हैं, उस इतने समय के बाद भी उस आयरन पिलर्स पे रस्टिंग नहीं हुई है, उस पे जंग नहीं लगा है, जबकि वो तो एयर और मॉइस्चर के एक्सपोजिशन में ही है, उस पे बारिश भी पड़ती है, हवा भी चलती है। साइंटिस्ट ने इसका पता लगाया, उन्होंने देखा जो आयरन पिलर्स हैं वो रस्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से बने गए हैं
कि वो उसको बिल्कुल भी रस्टिंग नहीं देते। तो बच्चों पुराने समय में भी हमारी कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होती थी कि उन्होंने इस तरीके से सारन पिलर्स को बनाया हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक क्रिस्टलाइजेशन। बच्चों आपने देखा होगा जो क्रिस्टल्स होते हैं, एक ये प्योरेस्ट सॉलिड होता है किसी भी सब्सटेंस का, इसकी पर्टिकुलर अच्छी सी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। बच्चों ये हमारी जो क्रिस्टलाइजेशन है एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में हम इम्प्योर कंपाउंड से हमारे क्रिस्टल्स को सेपरेट करते हैं या फिल्टर करते हैं। बच्चों इसी को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जब हम समुद्र से क्या निकालते हैं, नमक को निकालते हैं, वो क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा ही निकाला जाता है। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कॉमन सॉल्ट का, NaCl जो हम घरों में यूज करते हैं, जिसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, या सोडियम क्लोराइड जिसे हम कहते हैं, जो कॉमन सॉल्ट है वो भी किसमें से निकाला जाता है, सी वाटर को इवोपरेट करके, उसका पानी को भाप बना के उसमें से कॉमन सॉल्ट को निकाला जाता है। बच्चों सॉल्ट में कुछ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस भी होते हैं जिसे हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, सैंड, ये सब हमारे सॉल्ट में मिक्स हुए रहते हैं, क्योंकि ये सारा हमारा सी वाटर में होता है। तो हम क्या करते हैं, इसे इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं किस हेल्प से, एक प्रोसेस की हेल्प से, क्रिस्टलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। ये आप दिखाई दे रहे हैं आपको क्रिस्टल्स जो है सोडियम क्लोराइड है, ये कितने ज्योमेट्रिकल वेल डिफाइंड शेप में होते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में बच्चों मैक्सिमम अमाउंट कॉमन सॉल्ट का होता है, उसे हम क्या करते हैं डिसॉल्व करते हैं बॉइलिंग वाटर में, उबलते हुए पानी में डिसॉल्व करना होता है, फिर उस सॉल्यूशन को हम फिल्टर करते हैं, जिससे कि जो हमारे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो हमारे फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाती हैं। फिर जो आपका सॉल्यूशन होता है, जो फिल्टर हुआ हुआ सॉल्यूशन होता है, उसे आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, अनडिस्टर्ब रखना है कुछ घंटों के लिए, तो आपको क्या दिखाई देंगे, उसमें सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, और जो क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे सोडियम क्लोराइड के, उनकी वेल डिफाइंड शेप होगी, ज्योमेट्रिकल शेप होगी, फिर उसमें से आप इम्प्योरिटीज को अलग कर सकते हैं फिल्टर करके। सो स्टूडेंट्स नाउ सी एन एक्टिविटी 10th। अब हम एक्टिविटी 10th देखते हैं। इस एक्टिविटी का हमारा एम है टू प्रिपेयर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट। आपके पास क्या है, आपके पास कॉपर सल्फेट का सैंपल है, वो इम्प्योर हो चुका है, गंदा हो चुका है, तो आपको उसमें से ना कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल से उसे सेपरेट करना है। आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपको कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, बीकर चाहिए होगा, डिस्टिल्ड वाटर चाहिए होगा, पाउडर्ड कॉपर सल्फेट जिस जो आपका इम्प्योर हो चुका है, स्टिरर की जरूरत होगी जिससे आप स्टिर करेंगे, मिक्स करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसमें हाफ उसे फिल कर देना है डिस्टिल्ड वाटर से, फिर उसमें कुछ पाउडर कॉपर सल्फेट डालना है जो आपका इम्प्योर है, फिर उसमें क्या करना है आपको उसे स्टिरर की हेल्प से कंटिन्यूअसली स्टिर करते रहना जब तक वो उसमें डिजॉल्व ना हो जाए, फिर उसमें हाफ टेस्ट ट्यूब डालनी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, फिर आपको उनको सॉल्यूशन को हीट करने के लिए रख देना है। तो आपको क्या करना है, अगेन उसमें ऐड करना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, हीट करने के बाद उसे दोबारा ऐड करना है उसमें, फिर आपको दोबारा उसे स्टिर करना है, फिर आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है उसे हम आगे समझेंगे। फिर आपको क्या करना है, जो आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला है उसे आपको फिल्टर कर देना है जल्दी से, हॉट सॉल्यूशन को ही फिल्टर कर देना है, जिसकी वजह से आपकी जो सारी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं जो आपके वाटर के ऊपर आ गई है वो सारी फिल्टर हो जाएंगी, फिल्ट्रेट पेपर पे आ जाएंगी, और आपको एक प्योर सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप क्या देखेंगे, उस प्योर सॉल्यूशन को कुछ घंटे के लिए ऐसे छोड़ देना है, तो आपको सुंदर से ज्योमेट्रिक शेप के क्रिस्टल्स दिखेंगे, किसके, कॉपर सल्फेट के, तो वो आपके प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होंगे, इस तरीके से वो फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, अभी हमने इस एक्टिविटी में पढ़ा था सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म करा हमने, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या आता उसे हम आगे समझते हैं। नेक्स्ट ही हमारा टॉपिक है सैचुरेशन एंड सुपर सैचुरेशन। बच्चों आपको लेना है एक टम्बलर में 50 ml वाटर लेना है, और उसमें 10 mg सॉल्ट को डिसॉल्व करना है, उसे आपको कंटिन्यूअसली डिसॉल्व करते रहना है टम्बलर में। बच्चों कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि उसमें और सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो रहा, जितना होना था वो उतना हो गया। तो बच्चों जिस जब हमारी एक सिचुएशन आ जाती है, एक ऐसी स्टेज आ जाती है जो हमारे सॉल्यूशन में और हमारा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता, तो उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मगर फिर आप क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को जिसमें आपने अभी ये सॉल्ट को डिसॉल्व करा है उसे आप हीट करेंगे, तो आप देखेंगे हीट करने के बाद उसमें आप सॉल्ट डिसॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो और सॉल्ट डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब अभी तो और सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करके फिर दोबारा हीट करेंगे 30 मिनट्स तक,
फिर क्या करेंगे, उसे दोबारा सॉल्यूशन को सुपर कूल करेंगे। इसी तरीके से आप इस प्रोसीजर को रिपीट करते रहेंगे और उसमें सॉल्ट को डिसॉल्व करते रहेंगे, तो आप देखेंगे एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि हीट करने के बाद भी उसमें सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा, तो वो आपकी स्टेज होती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की स्टेज। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जब हमने उसे कूल करा, फिर हीट करा, उसमें जो भी हमारा सॉल्यूट था उसे डिसॉल्व करा, वो हमारा और डिसॉल्व नहीं होता, तो हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। बच्चों, जो हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो ज्यादा अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेता है इन कंपैरिजन टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बच्चों, अगर आप कुछ अब आपको फाइन क्रिस्टल्स देखने, जो आपके आप देखेंगे जो आपके ज्यादा क्रिस्टल्स हैं वो आपके फॉर्म होते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, क्योंकि इसमें आपके ज्यादा क्रिस्टल्स डिसॉल्व हुए रहते हैं और कम क्रिस्टल्स आपके फॉर्म होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, जैसे आपको इमेज में गिवन है। नेक्स्ट, लेट्स ट्राई इट आउट। अब हम ट्राई करते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है डैश चेंज इज अ परमानेंट चेंज। बच्चों, कौन सा चेंज हमारा परमानेंट चेंज होता है? केमिकल चेंज। फर्स्ट में हम फिल करेंगे केमिकल। सेकेंड है द रेडिश ब्राउन लेयर डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, जो रेडिश ब्राउन लेयर डिपॉजिट हो जाती है हमारी आयरन नेल्स के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं? रस्ट, यानी जमने लग जाता है रस्ट। थर्ड है ऑक्सीजन एंड वाटर आर टू इजेंशियल कंडीशन फॉर रस्टिंग ऑफ डैश, जो ऑक्सीजन और वाटर होते हैं वे हमारे इजेंशियल कंडीशन होती है किसकी? रस्टिंग की, रस्टिंग ऑफ आयरन। सिर्फ रस्टिंग बच्चों आयरन पे ही होती है, लोहे पे। फोर्थ है ब्राउनिंग ऑफ वेजिटेबल्स इज ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन सर्टेन कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द वेजिटेबल्स एंड, बच्चों जो हमारी वेजिटेबल्स ब्राउन हो जाती हैं इसकी रिएक्शन की वजह से, कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनकी रिएक्शन की वजह से, जो कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं आपके वेजिटेबल्स में और किसमें? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे एटमोसफेयर में प्रेजेंट रहती है। तो स्टूडेंट्स, नाउ सी सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं। फर्स्ट है फिजिकल चेंज, मींस अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इट इज यूजुअली अ रिवर्सिबल चेंज। फिजिकल चेंज बच्चों एक ऐसा चेंज होता है जिसमें हमारा कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता और ये रिवर्सिबल चेंज होता है। सेकेंड है केमिकल चेंज, मीन्स अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इट इज यूजुअली एंड इरिवर्सिबल चेंज। केमिकल चेंज, इसमें हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और ये हमारा इरिवर्सिबल चेंज होता है, इसमें हम ओरिजिनल प्रोडक्ट को नहीं दोबारा वापस निकाल सकते। नेक्स्ट आता है रस्टिंग, मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस ऑन एन आयरन आर्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। जब किसी भी आयरन आर्टिकल के ऊपर रेडिश ब्राउन लेयर डिपॉजिट हो जाती है जब हम उसे एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में रख देते हैं। गैल्वनाइजेशन मीन्स होता है द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन आर्टिकल, जब आयरन आर्टिकल के ऊपर जिंक लेयर इकट्ठी हो जाती है हम उसे गैल्वनाइजेशन कहते हैं, जिससे हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं जिसके ऊपर रस्टिंग ना हो। नेक्स्ट आता है अलॉयिंग, अलॉयिंग मीन्स होता है द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स, जब हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स कर देते हैं, नॉन मेटल को मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे कोई भी आयरन आर्टिकल पर रस्टिंग ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अलॉयिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स समिंग अप द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा उसे एक बार देख लेते हैं। अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मड एंड इज यूजुअली या रिवर्सिबल इन नेचर इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। बच्चों, फिजिकल चेंज हमने पढ़ा कि इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता और ये रिवर्सिबल भी होता है, इसे हम ओरिजिनल सब्सटेंस को दोबारा निकाल भी सकते हैं। अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मड एंड यूजुअली इरिवर्सिबल नेचर इज कॉल्ड केमिकल चेंज। बच्चों, केमिकल चेंज वो होता है जिसमें हमारा नया सब्सटेंस बनता है और ये इरिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस ऑन एन आयरन आर्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड रस्टिंग। बच्चों, जब हमारे आयरन आर्टिकल के ऊपर रेडिश ब्राउन लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, जब उसे एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में रख देते हैं, तो उसे हम रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय ग्रीसिंग, गैल्वनाइजिंग एंड अलॉयिंग। रस्टिंग को हम कैसे कैसे बचा सकते हैं? ग्रीस करके, गैल्वनाइजेशन करके या अलॉयिंग करके। नेक्स्ट है क्रिस्टल्स आर द प्योरेस्ट सॉलिड फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस विद अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। क्रिस्टल एक प्योरेस्ट सॉलिड फॉर्म होती है किसी भी कंपाउंड की जिसकी ज्योमेट्रिकल शेप होती है। नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट और टू बी डिसॉल्व इन कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब हमारे सॉल्यूशन में हमारा और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो वो हमारी स्टेज क्या कहलाती है सॉल्यूशन की? सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
तो स्टूडेंट्स नाउ इट्स एक्सरसाइज टाइम। हम करते हैं एक्सरसाइज ए। द किंडली करेक्ट ऑप्शन इन दी ओ एम आर शीट। इसमें आपको ओ एम आर शीट गिवेन है, इसमें आपको फोर ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और उसे सर्कल करना है। यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पेन टू फिल दी सर्कल्स, इट शुड बी डार्क एंड कम्प्लीटली एंड प्रॉपरली। आपको करेक्ट मेथड शो कर रखा है, इस तरीके से आप सर्कल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका आर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन। बच्चों नया सब्सटेंस हमारा कौन से चेंज में फॉर्म होता है? केमिकल चेंज में। तो बी इज द राइट। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड, क्रिस्टल्स ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हैव रेगुलर। बच्चों जो क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में, उनकी शेप कैसी होती है? जियोमेट्रिकल। तो इज द राइट। थर्ड आता है आपका रस्टिंग अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ। बच्चों जो रस्टिंग होती है किसी भी आयरन आर्टिकल पे जंग लगता है वो किसके प्रेजेंस में लगता है? एयर एंड मॉइस्चर के प्रेजेंस में। एयर में हमारा क्या होता है? ऑक्सीजन। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करता है तो उसको किसका एग्जाम्पल है? हमारा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, आयरन इज यूजुअली गैल्वनाइज्ड विद। बच्चों आयरन को हम ज्यादातर किससे गैल्वनाइज्ड करते हैं? क्रोमियम से भी कर सकते हैं बच्चों। तो बी इज द राइट आंसर। वैसे हम ज्यादातर जिंक से करते हैं, इसमें हम कर सकते हैं बी क्रोमियम। नेक्स्ट आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक। इसमें आपको फिलअप्स करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका फिजिकल चेंजेस। बच्चों फिजिकल चेंज कैसा होता है हमारा? फिजिकल चेंज हमारा टेम्परेरी चेंज होता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स भी कर सकते हैं, रिवर्सिबल। डैश चेंज डज नॉट फॉर्म एनी न्यू सब्सटेंस। कौन सा चेंज कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं करता? फिजिकल चेंज। डैश चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। बच्चों कौन से चेंज को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं? केमिकल चेंज को। रस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड। बच्चों जो आयरन पे रस्टिंग होती है, जंग लगता है, वो किसके प्रेजेंस में लगता है? मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। तो फोर्थ में हम फिल करेंगे ऑक्सीजन, जो आपकी एटमोसफियर में प्रेजेंट रहती है। फिफ्थ है अलॉइंग डैश रस्टिंग। अगर हम अपने आयरन आर्टिकल्स पे अलॉइंग कर देते हैं तो हमारी रस्टिंग नहीं होती, प्रिवेंट्स रस्टिंग। फिफ्थ में हम फिल करेंगे प्रिवेंट्स। नेक्स्ट है बच्चों आपकी एक्सरसाइज सी, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स वन। बच्चों आपको कुछ स्टेटमेंट्स ही रखे, आपको उन्हें रीड करना है और बताना है कौन सी ट्रू एंड कौन सी फॉल्स। फॉल्स वाले पे आपको एफ लिखना है। फर्स्ट है अलॉइंग प्रिवेंट्स रस्टिंग। अलॉइंग क्या करती है? रस्टिंग होने से बचाती है। यस इट इज ट्रू। बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। अगर हम कोई भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो ये केमिकल चेंज है, बिल्कुल, क्योंकि हम उससे दोबारा अपना ओरिजिनल सब्सटेंस तो बना नहीं सकते। सो इट इज ट्रू। थर्ड है स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो केमिकल चेंज है। बच्चों केमिकल चेंज तो हुआ ही नहीं, इससे को तो कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ, इसे तो हम दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हैं। सो इट इज फॉल्स। ऑन मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर अ न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम क्लोराइड इज फॉर्म। बच्चों जब हमारे मैग्नीशियम ऑक्साइड हम मिक्स कर देते हैं पानी के साथ, हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होता है? नहीं बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। तो ये तो गलत है, इट इज फॉल्स। तो स्टूडेंट्स आपने अपने ट्रू एंड फॉल्स कर लिए हैं। इसी तरह आप अपनी बाकी की एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।